हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कंपार्टमेंट के एग्जाम को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन चल रहा था कि 2024 में कंपार्टमेंट एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो उसको हरी झंडी मिल चुकी है। तो पूरा इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा, कैसे करवाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको इस तरह का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आपके जो टॉप 25 स्टूडेंट हैं उनके लिए अवार्ड की भी क्या करा है अनाउंसमेंट कर दिया है। तो सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके का बढ़िया लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और अपने बोर्ड से आप लेटेस्ट अपडेट रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फटाफट पढ़ते हैं यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड 2024 बोर्ड की मेरिट लिस्ट में शामिल टॉप 25 छात्राएँ मेधावियों को सीएम करेंगे सम्मानित, यानी जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं वो क्या करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। आगे आप देखिएगा, उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे समय पर जारी किए गए हैं, परीक्षा फल भी अन्य वर्षों की तुलना में क्या रहा है, इस बार बेहतर रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप कि उत्तराखंड बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि मेरिट लिस्ट में टॉप 25 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सीएम आवास पर क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, यानी जहां सीएम जी रहते हैं उनके आवास पर आपको किया जाएगा अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपको अवार्ड मिले वो तो वहीं पर जाके आपको पता चलने वाला है, लैपटॉप मिलता है, क्या मिलता है, धनराशि मिलती है, जो भी मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे समय पर जारी किए गए हैं, परीक्षा फल भी अन्य वर्षों की तुलना में बेहतर रहा है। सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि हर साल की तरह इस साल भी मेरिट में शामिल 10 व 12वीं के छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। और इधर दूसरी तरफ देखें, उधर बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल हुए छात्र छात्राओं को पास होने का मौका मिलेगा, यानी पास होने का मौका मिलेगा, यानी आपका क्या हुआ, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा। अब इस बारे में बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ देखेंगे, माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने के मुताबिक 10वीं में दो, यानी 10th में आपको दो सब्जेक्ट और 12वीं में एक सब्जेक्ट विषय में फेल छात्र छात्राओं के लिए जल्द ही परीक्षा कराई जाएगी। ये परीक्षा की डेट जो है ये जल्द कराने का मतलब आप एक महीने का टाइम आप मान के चलिए, एक महीने बाद आपकी जो कंपार्टमेंट एग्जाम की परीक्षा हो जाएगी, मतलब फॉर्म वॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। बोर्ड की परीक्षा में जिन छात्र छात्राओं को लगता है कि उनके क्या कम अंक आए हैं, अंक सुधार के लिए उन्हें भी मौका मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट बताते हैं कि विभाग की ओर से अंक सुधार परीक्षा क्या होगा, करवाई जाएगी, यानी अंक सुधार परीक्षा यानी जो आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा या बैक एग्जाम होगा आपको करवाया जाएगा। और जिन बच्चों को लगता है कि उनके नंबर कम हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आपके लिए यही सबसे बढ़िया लेटेस्ट अपडेट था। तो जिन बच्चों को डाउट है कि उनके नंबर कम है तो वो प्लीज़ कंपार्टमेंट एग्जाम या इंप्रूवमेंट या बैक पेपर जो भी आप कहते हैं उसको समझ के आप दे सकते हैं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। और जो बच्चे फेल हुए हैं प्लीज़ वो अपने सब्जेक्ट रिलेटेड जिस सब्जेक्ट में वो फेल हैं उसको कर सकते हैं। उसका जो क्राइटेरिया है क्या है वो सारा इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको आप जाके पूरा देख लीजिएगा। आपके लिए हरी झंडी है, जो बच्चे फेल हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ताकि वो अपना इस बार एग्ज़ाम देके अच्छे से पास हो जाए। तो इसी तरीके चैनल पे मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको इसी तरह लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।